हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं संतोष कुमार, स्मार्ट सॉल्यूशन पटना से। तो डिस्प्ले की कनेक्टर किस तरह से चेंज करते हैं किसी भी मॉडल की, उसको आप सेफली रिप्लेस कर सकते हैं, तो चलिए मैं करके दिखाता हूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, मैं संतोष कुमार, स्मार्ट सॉल्यूशन पटना से। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि सर, आपके जितने भी वीडियो आते हैं उसमें सारे के सारे आप EMMC, IC या फिर EMMC प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें की वीडियो तो हमें मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप वीडियो डालना स्टार्ट करें, ताकि हमारे जितने भी भाई टेक्नीशियन लोग हैं, वो जो अगर एडवांस लेवल में नहीं काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो छोटे लेवल पे काम कर पा रहे हैं, उन्हें हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो इसीलिए मैं जो छोटी छोटी चीज़ों पे भी अब वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। हालांकि मैं ज़्यादातर एडवांस चीज़ों को फोकस करता हूँ, लेकिन कोई भी नहीं, ज़रूरी ये नहीं है कि जो बंदे एडवांस करेंगे वो बेसिक नहीं कर सकते, और जो बेसिक करते हैं वो एडवांस नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोग चलते हैं, आज बेसिक लेवल से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहला हमारा जो ये वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे ये जो डिस्प्ले की कनेक्टर्स हैं, ये भी कई बार टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, इसको किस तरह से रिप्लेस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इस पर फ्लक्स अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ईजिली मैं आपको समझाऊँ कि किस तरह से इसे रिप्लेस करते हैं। बिना फ्लक्स लगाए हम इसे नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम फ्लक्स नहीं डालें तो ये हमारा जल जाएगा। और कभी भी इस बात का आप ख्याल रखें कि जब भी कनेक्टर्स वगैरह को आप रिप्लेस करते हैं, तो ट्वीजर को आपको इस तरह से लंबाई में नहीं पकड़ना है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ट्वीजर को आपको लंबाई में नहीं पकड़ना है, नहीं तो आपका ये कनेक्टर सिकुड़ जाएगा। इसीलिए इसको शॉर्ट में किसी भी एक एंगल से पकड़ में रखना है, ठीक है। इसके लिए जो हमारा टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर होगा, अगर आपकी SMD नॉर्मल SMD है, जैसे क्विक 2008 वगैरह है, तो आप इसके लिए टेम्परेचर 330 का इस्तेमाल करेंगे, और 857 DW प्लस वगैरह है तो आप 310 315 का इस्तेमाल करेंगे, और क्विक का 861 है डिजिटल वाली, तो आप 340 330 का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इसे प्री हीट करेंगे। अभी जो हमारा एयर है वो एयर 3 का है, यानी 30 से 35 का मैं एयर इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले हम इसे थोड़ा सा दूरी से, थोड़ा डिस्टेंस बना करके, यानी बोर्ड और हमारे जो SMD की नोजल है, इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 इंच रखनी है आपको, 1 इंच की डिस्टेंस रखनी है, 1 इंच डिस्टेंस पे आपको काम करना है। अभी हमारा टेम्परेचर, हम थोड़ा सा अपनी टेम्परेचर को बढ़ा लिए हैं, अभी हमारा टेम्परेचर 300 है, 300 की टेम्परेचर में हम इसे हीट करेंगे, और हमारा कनेक्टर बाहर, ठीक है। देखिए कितना आसानी से ये हमारा काम होता है, अगर हम लोग स्टेप को फॉलो करें तो हमारा कनेक्टर बाहर है। अब निकल जाने के बाद ना, ये जो दिक्कत आती है सभी के साथ कि सर, निकाल तो लेते हैं बट लगाने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, लगाने में दिक्कत हो रहा है, कई बार चल जाते हैं कनेक्टर, तो कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए जो आप PPD इस्तेमाल करेंगे, 183 का PPD आप इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, 183 का PPD, क्योंकि अगर आप 138 का PPD इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कंपोनेंट्स जो हैं वो लग तो बहुत आसानी से जाएंगे, लेकिन जब आप इसमें डिस्प्ले लगाइएगा और फिर हैंडसेट से डिस्प्ले को बाहर कीजिएगा, तो कनेक्टर साथ में बाहर आ जाएंगे, जो कि दिक्कत है। कहीं ना कहीं आप बना के दे दिए, अगली दुकानदार के पास गया तो उनके साथ ये समस्या आ गई, तो ऐसा नहीं करना है, हमें 183 इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसकी जॉइंटिंग ना हमारे हैवी होते हैं। तो चलिए, अगर आपको लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप 183 इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना बिना 183 इस्तेमाल किए हुए भी आप इसे लगा सकते हैं। और देखिए, कोशिश ऐसा रखना है कि आपको PPD का इस्तेमाल करना ना पड़े, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम इस पर क्या करेंगे, हल्का सा इस तरह से PPD इस पर हम मेल्ट कर देंगे, एकदम थोड़ा सा ही देंगे, जिससे इसकी टेम्परेचर हल्की सी लो हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस PPD को हम इस पॉइंट्स में मिला देंगे हर जगह, ठीक है, ध्यान से देखिए।
ओके क्लीनिंग का खास ध्यान रखें कि जितनी बेहतर आप क्लीनिंग करेंगे उतना बेहतर आपका काम होगा। अब इसको हमने टेम्परेचर अगर लो कर लिया है तो यहाँ से हम पहले कनेक्टर को हटा लेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ गर्म करेंगे, अभी हमारा टेम्परेचर मात्र 280 है क्योंकि पहले हमने 300 दिया था, अब हम 280 देंगे। ओके, अब ये मेल्ट हो जाने के बाद हम कनेक्टर को यहाँ पे पोजीशन में रख लेंगे। ओके, देख सकते हैं कि कनेक्टर हमारा अपनी पोजीशन में आ चुका है जैसा कि इसको रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पिन ऑलरेडी इसमें पहले से नहीं था, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, शुरू से अगर आप देखेंगे तो ये पहले से नहीं था। अब ये हमारा क्या है, ज्वाइंट हो चुका है। थोड़ा ठंडा होने दें इसको, उसके बाद आपको क्लीन करनी है। ठीक है, देख सकते हैं कि हमारा कनेक्टर बिल्कुल भी नहीं चेंजेस में आया है, बदलाव कुछ नहीं है हमारे कनेक्टर में, एकदम जैसा था वैसा ही है, ठीक है। बाद में जब काम आपका टोटल हो जाए फिर आप इसे हल्का सा ब्रश चला दीजिए, जिससे क्या होगा जो भी इसमें हल्की फुल्की डस्ट होगी वो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि हमारा कनेक्टर अपनी स्थान पे बराबरली फिट हो चुका है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन देखने के लिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कुछ ना कुछ हर दिन आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी प्रॉफिट होंगी, कहीं ना कहीं छोटे छोटे टिप्स, कहीं ना कहीं आपको अपनी रिपेयरिंग में आपको आसान होगा। ओके, थैंक यू।